तो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे मोलालिटी मोलारिटी वगैरह के बारे में, है ना। मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है ना, कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में बेसिकली। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक आध क्वेश्चन और अभी हम लोग कर ले, फिर हम लोग आगे चले। पक्का बोलिए। यस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा उल्टा सवाल है। एक सवाल मैं दे देता हूँ, मैंने दिया है 10 ग्राम CaCO3 डीजोल डीजोल टू मेक मेक, ठीक है। पहला 2 लीटर सॉल्यूशन, 2 लीटर सॉल्यूशन। दूसरा 2000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तीसरा 2000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। और आखिरी 2 DMQ, समझते हो, DMQ डेसीमीटर क्यूब, डेसी मीटर क्यूब, इसका मतलब हो गया डेसीमीटर क्यूब, DMQ डेसीमीटर, है ना। देखो फिर से सॉल्व, 10 ग्राम CaCO3 डिजोल्व टू मेक 2 लीटर सॉल्यूशन, 2000 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 2000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ही लिख देता हूं मैं, क्या दिक्कत है, सॉल्यूशन, और 2 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। आपको बताना है फाइंड मोलारिटी, मोलारिटी इन ईच केस, फाइंड मोलारिटी, बस फाइंड मोलारिटी, चारों में आपको मोलारिटी बताना इन ईच केस, फाइंड मोलारिटी ये आपको निकालना है। तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ऊपर में क्या लिखा हुआ बोलो। यस सर दिख रहा है। 10 ग्राम CaCO3 को हमने लिया है, अब आपको बताना है, तो बताइए कैसे बनेगा, क्या करना होगा बताइए। देखो कैसे होगा, सबसे पहले ध्यान दो कि वॉल्यूम किस में लेते हैं, बताओ पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, मोलारिटी बराबर क्या होता है बताओ, तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन मोल और बटे में वॉल्यूम किस में होता है बताओ, तो इनटू बोल बच्चा, बताए थे हो कि नहीं बताए थे, बोलो। यस सर यस सर वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है, पक्का लीटर बोले। यस सर तो चलो चलो यार, अब मोल कितना आएगा CaCO3 का बताओ यार, मोल कितना आएगा CaCO3 10/100, 0.1 आया कि नहीं आया बोलो, का तो मोल 0.1 आ गया यार, ठीक है चलो मोल आ गया। अब देखो वॉल्यूम पे ध्यान देना है, पहली बार में अगर हम निकालते हैं पहला पार्ट, तो वॉल्यूम कितना दिया है, 2 लीटर दिया है कि नहीं दिया है बोलो यार, है ना। तो पहले का मोलारिटी सीधे मोल बटे वॉल्यूम, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, पहला बताओ, आ गया पहला, पहला हो गया, पहला हो गया। अब पहला मिटा दे रहा हूं, बोलो मिटा देना पहला, यस सर बोलो, हो गया पहला मोल बटे वॉल्यूम पहला खत्म। अब दूसरा को ध्यान दे यार, दूसरा ये कितना दिया है, 2000 मिलीलीटर। अब तुम जानते हो ना कि 1000 मिलीलीटर बराबर कितना होता है बोलो, तो 1 लीटर, तो 2000 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2000/1000 होगा, यस सर बोलिए, तो कै लीटर आया बताइए, कै लीटर आया बताइए, तो 2 लीटर, मिला जुला के कै लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ ना, तो दूसरे का भी आंसर यही हो जाएगा क्या बोलिए, तो यस सर यस सर यस। ये तो देखिए, अगर मिली लीटर में तो लीटर में चेंज करेंगे, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ना, हो कि वहां जानते हो कुछ हो, इसमें से वॉल्यूम क्वालिटी एग्जाम में यूज कर सकता है ना, लीटर मिली लीटर सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब, यही चार को आज तक यूज किया है, इससे ज्यादा कुछ यूज, मैं आपको बताइए देता हूँ, है ना। और देखो 2000 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है बोलो, 1 ml होता है कि नहीं होता है बोलो, 1 ml, यस सर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है यार, ठीक है इसको ध्यान रखना है। तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया बताओ यार, 5 ml, 2000 ml,
दिस इम्प्लाई दैट 2000 बटे क्या कर देंगे 1000 लीटर. बोलो. यस बोलो. इस तीसरे पार्ट का भी आंसर यही हो गया कि अलग हुआ? बोलो. तो ध्यान रखना उधर है ना, सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है. इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि पता चला सब आ रहा यूनिट में गया हुआ तक गया सवाल, फिर बनना नहीं. समझ रहा ना? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताए. यस सर. मिटा दें. बोलो बोलो. यस सर. बोलो. चलो अब इसको मिटा देते. अब अगला देखो. अगला क्या दिया है बताओ? अगल का क्या दिया है? बोलो भाई. बोलो बोलो क्या दिया है? डेसीमीटर क्यूब. अब याद रखना 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? 1 लीटर. 1 लीटर इधर 1 लीटर होता है. दिस इंप्लाइज दैट इसको 6 लीटर मान लिया जाएगा. 2 लीटर. बताओ चौथा पार्ट का भी अलग आंसर की वही है सर. सेम. समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो यार. यस सर समझ गया. तो बताओ यार अब यूनिट वगैरह चेंज यूज करेगा तो कैलकुलेशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोला रही सर. यस सर कर लेंगे. अब एक आधे रिवर्स सवाल कर लो. मोलारिटी मोलारिटी का रिवर्स सवाल एक आधे पेपर कर लोगे ना? बोलो. मतलब उल्टा उल्टा सवाल. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. देखो क्वेश्चन हमने क्या दिया है. आराम से करना. ला के मैंने क्वेश्चन दिया है. टू बड़ा एम का मतलब क्या होता है? मोलर. ठीक है. 2 मोलर. यस. 1500 सेंटीमीटर क्यूब ग्लूकोज सॉल्यूशन. किसका सॉल्यूशन लिया है? ग्लूकोज सॉल्यूशन. ग्लूकोज. ठीक है. फाइन. क्या क्या निकालना है ध्यान देना. फाइन. सबसे पहला मोल ऑफ ग्लूकोज. दूसरा निकालना है वेट ऑफ. टन से बनाओ. चलो जल्दी करो जल्दी बनाओ. 2 है मोलारिटी. 2 मोलर 1500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ 2 मोलर हमने ग्लूकोज सॉल्यूशन लिया है जिसकी मोलारिटी 2 है. वॉल्यूम है मोल. तो लिखो फार्मूला मोलारिटी बराबर मोल बटे. देखिए कैसे बनेगा. यस सर. बहुत आसान है. बताइए मोलारिटी बराबर क्या होता है? बोलिए. हो मोलारिटी बराबर क्या होता है? बोलिए. मोल बाय वॉल्यूम. मोल मोल बटे वॉल्यूम. और वॉल्यूम किसमें होता है बताइए? लीटर में. अब बताइए मोलारिटिया कितना दिया है? 2 दिया है. यस सर. वॉल्यूमवा कितना दिया बताइए? तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हुआ? 1500 ही बताए हैं मिलीलीटर. और दिस इंप्लाइज दैट कितना लीटर हुआ बताइए? 1.5. 1000 से कटाएंगे तो 1.5 लीटर हुआ कि नहीं हुआ बताइए. ये यस सर. 1.5 यहाँ कर देते हैं. बताइए सब लोग कोई डाउट है तो. नो सर. बोलिए. तो मोलवा कितना आया? 3 आया कि नहीं आया बताइए. यस सर. यहाँ से मोल ऑफ ग्लूकोज बराबर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे. बोलिए. यस सर. अब मोल बराबर क्या होता है सबको पता है. मोल बराबर क्या होता है बताइए? वेट बटे मोलर मास. तो मोल है 3. वेट हमको बताना है भाई. अब मोलर मसवा कितना होता है ग्लूकोज का बताओ? 180 है ना.
ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बोलो? C6H12O6। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो वेटवा कितना आएगा बताओ? यहाँ से सोल्व करने पर कितना आ रहा? 540 ग्राम। 540 ग्राम सही था आप लोगों का? यस सर। बोलिए बोलिए तो ईमानदारी से बताइए, रिवर्स कैलकुलेशन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए बताइए। यही पूछता होगा, मोल पूछेगा, वेट पूछेगा। अब मोलालिटी पे दो को कर लेते हैं, दो ठो हो जाएगा ना? बोलिए। यस सर। खाना मिटाए? बोलिए। यस सर। मैंने आराम आराम से करना है, घबराना नहीं, आराम आराम से करिए, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ज्यादा देर तक पढ़ेंगे भी नहीं, आराम आराम से ही पढ़ेंगे, घबराना नहीं। तो क्लास शेड्यूल आगे पीछे हो गया है ऑनलाइन के चक्कर, समझ रहे हैं? चार हफ्ते में हो जाएगा मैनेज। बाकी समय ऑनलाइन में कैसे चल रहा हो, कैसे पढ़ा रहे हैं सब लोग? बाकी सब सब्जेक्ट का अब मोलालिटी का क्या हम लोग का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है ध्यान, मोलालिटी का है ना? मोलालिटी जनरेट करते हो क्या होता है ना, क्वेश्चन कर लेते। मोलालिटी जानते हो ना क्या होता है? मोल बटे में वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है? केजी। तो सवाल मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, 2 मोलल। देखो स्मॉल एम का क्या मतलब होता है? मोलालिटी है ना। 2m देखो स्मॉल एम है, 2m CaCO3 सॉल्यूशन, CaCO3 सॉल्यूशन 2 मोलल CaCO3 सॉल्यूशन है इन 500 ग्राम H2O। 2 मोलल CaCO3 सॉल्यूशन है इन 500 ग्राम H2O, तुमको बताना है फाइन वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड। वेट ऑफ CaCO3 कितना चाहिए? 2 मोलल CaCO3 सॉल्यूशन है 500 ml में, तो आपको बताना है वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, कितना वेट हमें चाहिए? तो आराम से करिए भाई, सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। बोलिए। ध्यान से करिए, जल्दी करिए। चलिए तो बता रहे हैं, देखिए भाई साहब की सब देखिए कुछ नहीं है ना, सॉल्यूशन देखिए एकदम आसान कैसे होगा। तो हम लोगों को पता है कि मोलालिटी बराबर क्या होता है, बताइए मोल। अब बटे में किसका वेट होता है? सॉल्वेंट। और किसमें होता है ये? केजी में, वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, ध्यान दीजिए। तो चलिए मोलालिटी 2 दिया है, मोल हमको पता नहीं है, पनिया कितना दिया है देखिए तो 500 ग्राम। 500 ग्राम को 0.5 केजी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बोलिए तो? यस सर। ना हम सीधे 0.5 केजी ले रहे हैं, तो मोल कितना आ गया बताइए? दिस इंप्लाइज दैट मोल कितना आ गया? 1। और अगर मोल 1 है तो मोल बराबर क्या होता है? वेट बटे में मोलर मास 100 होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट वेट कितना आ गया बताइए? 100 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ बोलो? yes, हुआ कि नहीं हुआ? yes, सब लोग समझ गए कि नहीं समझे? yes, sir. ना क्लियर हुआ कि कोई डाउट है? नो सर, क्लियर हो गया। मिटा दें? यस सर। यस सर। चलिए तो चलो यार इसको मिटा देता हूँ, तो बिल्कुल इस पे एक अच्छा सवाल आता है जो इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा ना।
ये अच्छा है, इसको अच्छे से सीखना, ऐसा मैं दो ठोकर आऊंगा, सीख लेंगे ना, बोलिए। यस सर। इम्पोर्टेंट है, ऐसा सवाल एग्जाम में आता, इसके दो कराऊंगा मैं, दोनों हम लोगों को सीखना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ टू मोलल, देखिए स्मॉल एम को मोलालिटी को मोलल भी हम लिखते हैं, है ना। तो टू मोलल CaCO3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वेट, वेट वेट 600 ग्राम, वेट 600 ग्राम, फाइंड वेट ऑफ H2O प्रेजेंट इन सॉल्यू, इन सॉल्यू, तो देखिए है ना, ध्यान देना है। इस बार तुम्हारे पास CaCO3 है, उसकी मोलालिटी कितनी है बताओ, टू है। और इस बार कुछ सॉल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट नहीं दिया है, सॉल्यूशन सीधे सीधे कितना दे दिया, बोलिए कितना दे दिया है? बोलो अभी सॉल्यूशन में कितने लोग होंगे, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा कि दोनों होगा? देखो पीछे वाले सवाल में क्या दिया था, हमने सॉल्यूशन दिया था कि सॉल्वेंट दिया था बताओ, इसके पीछे वाले हमने क्या दिया था बोलो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट दिए थे हो। एक बार सॉल्यूशन में 600 दिए हैं, सॉल्यूशनवा में दो लोग होंगे, कौन कौन होंगे बताइए, सॉल्यूट होगा और साथ में कौन होगा, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होंगे, 600 ग्राम में दोनों है ना। अब पता तो है नहीं कौन कितना होगा, तो मान लिया जाए इसमें सॉल्यूटवा कितना मान लिया जाए बताइए, कै ग्राम मान लिया जाए, एक्स ग्राम, कै ग्राम, एक्स, तो जल्दी बताइए सॉल्वेंटवा कितना हो जाएगा बताइए, 600 माइनस एक्स, ये होगा कि नहीं होगा बताइए अच्छे से, पहले समझिए अच्छे से, बोलिए भाई। सर होगा भाई, अब तो सॉल्यूशन जब 600 उसमें सॉल्यूट को एक्स मानेंगे तो सॉल्वेंटवा 600 माइनस एक्स टेन आएगा, बोलिए बोलिए। अब बताइए मोल कितना आएगा, मोल बताइए, मोल, मोल मोल कितना आएगा बताइए, एक्स वाई 60 आएगा क्या, यस सर, सॉरी CaCO3 है ना, एक्स बाई 100 आएगा, गलती, एक्स बाई 100 सर, एक्स बाई 100 आएगा, CaCO3 है, हो ध्यान नहीं दिए, एक्स बाई 100 आ गया, बोलिए पक्का, यस यस सर, बोलिए। ये मोल, मोल हमारा आ गया, ये मसवा किसमें होता है, केजी में, तो सॉल्वेंट केजी में कितना होगा बताइए, 600 माइनस एक्स बटे 1000 होगा कि नहीं होगा, बोलिए, यस सर, बोलिए। अब मोलालिटी कितना दिया है, दो दिया है क्या, मोलालिटी दो दिया है कि नहीं दिया बताइए, मोलालिटी दो दिया है ना। अब मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोल बटे ये, ऐसे होगा कि नहीं होगा, अब आप लोग ये सोल्व करने आता कैसे करते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, अगर ए बी सी डी है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट टू बराबर क्या लिखाएगा, एक्स बटे 100 इंटू ये सबसे ऊपर चला जाएगा 1000 और साथ में क्या हो जाएगा 600 माइनस एक्स, यही लिखाएगा, बोलिए जो लिखे है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब कट गया कि बचा हुआ, ये बताइए, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए, दिख रहा है हाँ, अब ये 1000 इसको कटा दे क्या 100 को, बोलिए बोलिए, और यहां से तो yes, टू बराबर क्या, टू बराबर क्या बचेगा 10x, अब बटे में 600 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए yes. अब फिर कटा दे इसको तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलिए yes. बोलिए अभी इसको सोल्व मैं कर रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट 600 माइनस एक्स बराबर 5x बचेगा क्या, बोलिए तो इसको 1 बचेगा नहीं, जरा तो यस सर, देखिए ध्यान दीजिए,
ये जो समझिए अच्छे, ये 10 को कटा दिए 2 से, यहाँ 5 बचा, यहाँ खत्म हो गया, यहाँ 1 हुआ, इसको इधर ले आ, तो 600 - x बराबर क्या आ गया 5x। अब x का उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा बताइए तो। यस सर। 600 - 6 बराबर 100 आएगा कि नहीं आएगा बताइए अच्छे से। यस सर आएगा। बताइए जो मैं लिखा हूँ, समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रही है, बताइए सोल्व किया। तो अगर ये वाला 100 ग्राम आ गया, एक समय इसको निकाल लिया 100 ग्राम, ई वाला कितना आएगा बताइए। 500 ग्राम। समझ में आया ना, कुछ यहां से यहां तक खाली सोल्व किए हैं, धीरे धीरे निकाले हैं, आ गया कि दोबारा बता दे सॉल्यूशन। पवन पवन दोबारा बता दें, देखो PaCO3 दो मोलल दिया है, मोलालिटी 2 दिया, और 600 ग्राम सॉल्यूशन दिया, सॉल्वेंट नहीं दिया, 600 ग्राम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में दोनों होगा, सॉलिड भी होगा सॉल्वेंट भी होगा। सॉलिडवा का मान लो 1 ग्राम, तो मोलवा कितना है 1/100, तो सॉल्वेंटवा 600 - x होगा ना, हो तो 600 - x होगा, तो निकाल लो सॉल्वेंटवा कितना होगा 600 - x, सॉल्व कर लो। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बोलो बच्चा पार्टी। यस सर। लिख लिए थे कि नहीं लिखे थे, टाइम चाहिए। इधर वाला में टाइम चाहिए होगा, इधर तो लिखिए लिए होगा, इधर लिखना तो लिख लो, इतना जल्दी है जल्दी लिखो उधर वाला, अगर कैलकुलेशन नहीं लिखो लिखो जल्दी, क्या करें, दूसरा क्वेश्चन दे बनाओगे अपने से। यस सर। चलो बना, हिम्मत दिखा के क्या है, पढ़ो भाई क्वेश्चन। 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन वेट 11। 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन है, उसका वजन कितना दिया है बताओ। 1180 ग्राम। 118। 1180 ग्राम। फाइंड वेट ऑफ H2O प्रेजेंट, इसमें H2O कितना है, H2O निकलेगा तो ग्लूकोज निकलिएगा। मोलालिटी बड़ी फेमस सवाल है, आराम से करो ना, 5 मिनट का समय है, इस बार एक आध और करा देंगे बस। 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो फिर से देखिए करना कुछ नहीं है, तो चलिए भाई सॉल्यूशन कितना दिया है बताइए। कितना दिया है बोलिए। 1180 ग्राम दिया है ना, तो 1180 ग्राम सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन में दो लोग होते हैं, कौन कौन होता है बताइए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और साथ में सॉल्यूट। सॉल्यूट को कितना मान लिया जाए, 1 ग्राम मान लें। बोलिए तो सॉल्वेंटवा कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। 1186। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए भाई। बोलिए अब मोलालिटी कितना दिया है बताइए। मोल पहले यहाँ निकाल लेते हैं, मोल भी निकाल लिया जाए, मोल कितना आएगा, 1/ सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, बोलिए। अब मोलालिटी कितना दिया है, 1 है ना मोलालिटी है, और मोलालिटी बराबर होता है मोल और बटे में वेट, वेट किस में होता है बताइए, केजी में होता है,
केजी में वेट निकालने के लिए, ग्राम में है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम में है। 1000 से इधर डिवाइड किया जाए कि ऊपर मल्टीप्लाई किया जाए? मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज्यादा खुशी रहेंगे। एगो तो जीरो गया, बोलिए वन बराबर क्या आया, ध्यान दीजिएगा, वन बराबर एक्स इंटू 100 आएगा। यस बोलिए, और नीचे में 18 इंटू 1180 माइनस एक्स, ये आएगा कि नहीं आएगा बताइए। यस सर, यस। घबराइएगा मत, कैलकुलेशन में घबराना नहीं। यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। समझ गए सर। एकदम घबराना नहीं, आराम आराम से करेंगे, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहले एक्स पे एक्स ऐड लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए तो। ये यही आएगा क्या बताइए तो। देखिए 100x लिखे हैं बराबर, 100x कट रहा है क्या, 100x जो लिखे हैं बराबर, ऊपर लिखते हैं क्या उसको? नो सर दिख रहा है नहीं, दिख देते हैं जगह ही है। अब दिखा कि नहीं दिखा बोलिए। दिख रहा उल्टा उल्टा किया तो दिस इम्प्लाइड दैट, अगर यहीं से इसको सोल्व किया जाएगा दिस इम्प्लाइड दैट, तो बताइए क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा बताइए तो। 180 जुड़ जाएगा क्या इधर जाके? यस, तो क्या जाएगा x बराबर 18 इंटू 1180 और बटे में 180, यही आएगा 118, यही आएगा क्या, देखो तो बच्चा बोलो। yes. और जब इसको कटा दोगे इससे तो 10 नहीं आएगा, बोलो तो 180 आएगा सर। बोलो। यस सर। बोलो तो बराबर कितना हुआ बताओ, दिस इंप्लाई दैट एक्स कितना हुआ यहाँ से बताओ, दिस इंप्लाई दैट एक्स कितना आ गया बताओ, 180 आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। बोलो आ गया सर। तो ये आ गया 180, देखो यहाँ से 180 ग्राम आ गया, 180 ग्राम आएगा, तो इसका वजन अब नहीं निकाल लेंगे हम। यस सर। यस सर। क्या आएगा 1180 माइनस 180 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1000 आएगा कि नहीं, बात समझ में? बोलिए। यस सर। यस। तो बताइए शिवम, स्मृति और भी बच्चे, कहीं कोई समस्या है कि क्लियर? सर क्लियर। मोलालिटी का सवाल अब आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे बताइए। यस सर, बना लेंगे। चलिए वो मोल फ्रैक्शन पे करा दूंगा, आखिरी सवाल है बस आज का, ठीक है पक्का? यस सर। छोटा सा है, 2 मिनट का है, करिए फिर अगला क्लास में, क्योंकि मुझे दूसरे बैच में भी क्लास लेनी, इतना क्लास में लग जा रहा ना उल्टा पुल्टा की क्या सब गड़बड़ हो गया है ऑनलाइन, एक आध हफ्ता लगेगा तभी मेंटेन होगा, एक बार मेंटेन हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी, जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक झंझट। चलिए शुरू करें, तो देखो यार शुरू करते हैं, देखो कैसे होगा। तो एक तो मोल फ्रैक्शन पे सवाल दे देते हैं, कर लीजिएगा ना। Yes. तो सिंपल सवाल दे रहा, 18 ग्राम यूरिया का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये होता है, ध्यान रखिएगा, NH2 2CO, ये यूरिया का फार्मूला होता है, NH2 2CO। 18 ग्राम यूरिया डिजोल इन 36 ग्राम एच फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ऑफ यूरिया यही क्वेश्चन। चलो यही है, 18 ग्राम यूरिया
डिजोल्विन 36 ग्राम H2O एंड मोल फ्रैक्शन। चलो जल्दी करो। तो बताएं कैसे होगा, बोलो। सबसे पहले मोल निकालना, मतलब जो था मोल फ्रैक्शन होता क्या है, बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन सबको पता है, ये क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या होता है बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस क्या होता है बताओ, सॉल्वेंट। क्योंकि इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो जल्दी जल्दी मोल निकाला जाए। तो मोल सबसे पहले निकाला जाए यूरिया, यूरिया ही सॉल्यूट है ना, यूरिया का 18 ग्राम है। मोलर मास निकाल लोगे, देखो 60 आएगा, जोड़ के देख लो, जोड़ के देख लो, 0.3 हो गया। अब मोल ऑफ H2O बताओ कितना आएगा, बताओ 36/18 आ गया। तो दिस इंप्लाई दैट मोल फ्रैक्शन को मैंने बताया था ना कि ऐसे दिखाते हैं इकाई से, रिप्रेजेंटेशन। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा बताओ, मोल फ्रैक्शन यूरिया का मैं लिख रहा हूँ, अपना मोल कितना है बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यही है, यही सॉल्यूट है, कितना है बताओ, कितना मोल है, 0.3 बटे में, दोनों का मोल जोड़ना होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब दोनों का, तो दोनों जोड़ोगे तो कितना लिखोगे, 2+0.3 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यस। 3/23 कितना आ जाएगा बोलो, 3/23 पक्का, कोई डाउट कि नो डाउट, नो डाउट।